मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू था। ये लड़का एक सिटी में आया होता है। एक दिन जब ये मूवी देखने जाता है तो ये देखता है कि सिटी में गवर्नमेंट और स्टूडेंट की आपस में लड़ाई हो रही है। इसी दौरान मैथ्यू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम इजाबेल था। जब मैथ्यू उस लड़की से मिलता है तो इजाबेल कहती है कि क्या तुम यहाँ हर रोज़ आते हो? मैं जब भी यहाँ होती हूँ कहीं ना कहीं तुम मुझे नज़र आ ही जाते हो। मैथ्यू कहता है कि मैं यहाँ अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। मैथ्यू को एनाबेल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एनाबेल उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है। यहाँ थियो और मैथ्यू में दोस्ती हो जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इन तीनों को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को लाठियों से मारने लगती है, क्योंकि स्टूडेंट ने पूरी सिटी में शोर मचा कर रखा था। अब ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में चलते चलते ये कुछ बातें करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को मैथ्यू अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है और सो जाता है। अगली सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है और थियो मैथ्यू को अपने घर बुलाता है। ये सुनकर मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि मैथ्यू फिर से इजाबेल से मिलने वाला था। मैथ्यू के घर आने पर वो इजाबेल की मॉम से मिलता है। मैथ्यू ने अपने बारे में बताता है। तब इजाबेल की मॉम उसे कहती है कि मैं भी अमेरिका से ही हूँ। अब मैथ्यू इजाबेल के डैड से मिलता है, जहाँ मैथ्यू इजाबेल के डैड को पसंद आता है। कुछ देर में सभी डिनर करने लगते हैं, जहाँ इजाबेल के डैड सभी के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। अब इजाबेल मैथ्यू को आज अपने घर रुकने के लिए कहती है, इसलिए मैथ्यू उसकी बात मान जाता है। रात को इजाबेल थियो और मैथ्यू को किस करके अपने रूम में चली जाती है। इस बात से मैथ्यू को बहुत ही अजीब लगता है। रात को मैथ्यू बाथरूम के लिए जाता है। बाथरूम से आते वक्त मैथ्यू इजाबेल के कमरे में झांकता है। तब वो देखता है कि इजाबेल और थियो एक साथ बिना कपड़ों के सोए हुए हैं। ये बात मैथ्यू के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी। अब मैथ्यू फिर से अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन इजाबेल के मॉम डैड घर से बाहर चले जाते हैं। जब मैथ्यू सो रहा था तभी अचानक इजाबेल आ जाती है और मैथ्यू को जगाने लगती है। मैथ्यू ने अपना अंडरवियर नहीं पहना था, इसलिए मैथ्यू रजाई से बाहर नहीं आता। कुछ देर में जब मैथ्यू बाथरूम में था तब वहाँ इजाबेल आती है और मैथ्यू के होठों को छूने लगती है। इजाबेल कहती है कि तुम्हारे होठ बहुत खूबसूरत है। अब इजाबेल मैथ्यू के होठों पर लिपस्टिक लगाने वाली थी, लेकिन मैथ्यू उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ थियो आता है। थियो अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। ये चीज़ मैथ्यू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो मैथ्यू से कहता है कि मेरी मॉम और डैड काफ़ी लंबे जर्नी के लिए गए हैं, वो अब बहुत सारे दिनों तक वापस नहीं आएंगे, तुम कुछ दिन और हमारे साथ रुक सकते हो। मैथ्यू कहता है कि तुम मुझे अभी तक जानते भी नहीं और इतने दिन अपने घर में रुकने के लिए तुम मुझे कैसे कह सकते हो। इजाबेल कहती है कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जान पाए, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर में ये तीनों एक मूवी के ऊपर डिस्कस करने लग जाते हैं। डिस्कस करते करते इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। तब थियो कहता है कि हम तुम्हें एक मूवी का सीन परफॉर्म करके दिखाएंगे, तुम हमें देखकर बताना कि हम कौन सी मूवी का सीन कर रहे हैं। अगर तुम नहीं बता पाए तो जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। इजाबेल और थियो मूवी का सीन परफॉर्म करते हैं। तब मैथ्यू मूवी का नाम बता देता है। ये देखकर इजाबेल और थियो काफी हैरान थे। इजाबेल कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे ही दोस्त की तलाश थी और आज तुम हमें मिल गए। ये एक काफी पुरानी मूवी का सीन था जिसमें तीन दोस्त एक आर्ट गैलरी में बिना परमिशन के घुसते हैं और काफी तेज भागकर वहां से निकलते हैं। इजाबेल कहती है कि हमें भी ये रियल लाइफ में परफॉर्म करना चाहिए। यहां हमें पता चलता है कि ये दोनों मूवी से काफी ज्यादा इफेक्टेड थे। इन दोनों को मूवीज को रियल लाइफ में अप्लाई करना काफी ज्यादा पसंद था। पहले तो मैथ्यू इन सब के लिए मना करता है, लेकिन बाद में मैथ्यू मान जाता है। ये तीनों एक आर्ट गैलरी में जाकर काफी तेज भागते हुए वहां से निकलते हैं। इन्होंने यहां मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए सभी घर आ जाते हैं। मैथ्यू भीग चुका था, इसलिए थियो मैथ्यू को कपड़े देता है और उसके सामने ही कपड़े बदलने लगता है। मैथ्यू को इजाबेल की कुछ फोटोज मिलती है, जिनमें से एक फोटो को मैथ्यू अपने अंडरवियर में रख लेता है। कुछ देर में ये फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, जहां इजाबेल फिर से एक मूवी का सीन परफॉर्म करती है, लेकिन यहां थियो मूवी का नाम नहीं बता पाता और इजाबेल जैसा उसे कहती है वैसा थियो करता है। इजाबेल उसे एक तस्वीर को देखकर सबके सामने हिलाने के लिए कहती है। बिना कोई सवाल किए थियो ऐसा ही करता है।
जब थियो और मैथ्यू एक साथ थे तब मैथ्यू थियो से पूछता है कि मैं तुम दोनों भाई बहन को समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम दोनों आखिर ये सब कर क्या रहे हो? एक दिन मैंने तुम दोनों को बिना कपड़ों के एक साथ सोते हुए देखा था। थियो कहता है कि जब हमारा जन्म हुआ तब मैं और मेरी बहन एक साथ जुड़े हुए थे। सर्जरी से हमें अलग तो कर दिया गया लेकिन वो हमारे दिमाग को अलग नहीं कर पाए। हम दोनों के दिमाग अभी भी एक साथ जुड़े हुए हैं। अब रात को फिर से थियो एक मूवी का सीन परफॉर्म करता है लेकिन इजाबेल और मैथ्यू इस मूवी का नाम नहीं बता पाते, इसलिए थियो इन दोनों को अपने सामने गपागप करने के लिए कहता है। इस बात के लिए मैथ्यू बिल्कुल भी नहीं मानता तो ये दोनों मैथ्यू के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। बाद में मैथ्यू मान जाता है। जब इजाबेल मैथ्यू के अंडरवियर उतारती है तब उसमें इजाबेल की फोटो थी। ये देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर में मैथ्यू और इजाबेल गपागप शुरू कर देते हैं। इजाबेल के खून को देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि इजाबेल अभी तक वर्जिन है। जब इजाबेल और मैथ्यू बात कर रहे थे तब मैथ्यू कहता है कि अगर इन सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। इजाबेल कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद थियो इजाबेल के पास आकर सो जाता है। थियो कहता है कि हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तुम सिर्फ हमारे दोस्त हो लेकिन तुम कभी भी हमारे बीच में नहीं आ सकते। कुछ दिन बीत जाते हैं और इजाबेल और थियो के मॉम डैड के दिए हुए पैसे अब खत्म हो चुके थे, इसलिए घर से बचा हुआ खराब खाना खाते हैं। एक दिन जब ये एक साथ नहा रहे थे तब थियो और मैथ्यू में बहस शुरू हो जाती है। थियो कहता है कि अमेरिकन हमारी सिटी से लड़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे लोगों को और हमारे बच्चों को मार रहे हैं। वो कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम अमेरिकन हो। मैथ्यू कहता है कि हम मजबूर है, हमें फौज में जाना पड़ता है, ये सब कंट्रोल हमारी सरकार का होता है। इजाबेल गुस्सा हो जाती है और इन दोनों की बहस रोक देती है। एक दिन थियो और इजाबेल मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट के हेयर को काटने लगते हैं लेकिन मैथ्यू गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारा सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग से तुम अभी तक बच्चे हो। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या तुम कभी किसी के साथ डेट पर गई हो। इजाबेल इसके लिए मना करती है। अगले दिन मैथ्यू और इजाबेल एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। जब ये घर वापस लौटते हैं तो इजाबेल को पता चलता है कि थियो किसी लड़की के साथ गपागप कर रहा है। उसकी आवाज रूम से बाहर आ रही थी। ये सुनकर इजाबेल रोने लगती है और मैथ्यू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन इजाबेल, मैथ्यू और थियो एक टेंट के नीचे बिना कपड़ों के सोते हैं, जैसा कि वो बचपन में किया करते थे। अगली सुबह इजाबेल के मॉम डैड घर पर वापस आ जाते हैं और इन्हें देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इजाबेल के डैड इन्हें नहीं जगाते, वो एक बड़े अमाउंट का चेक लिखते हैं और इजाबेल के पास छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। जब इजाबेल उठती है तो वो चेक को देखती है। इजाबेल समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया है। वो एक मूवी के सीन की तरह एक गैस की पाइप लेती है और उसे चालू करके अपने पास रखकर सो जाती है ताकि उस गैस की वजह से इनकी मौत हो जाए। तभी वहां वॉर शुरू हो जाती है। अब ये तीनों उठते हैं और इस वॉर में शामिल हो जाते हैं। यहाँ थियो कुछ लोगों को बॉम्ब बनाते हुए देखता है इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इजाबेल और थियो उसकी बात नहीं मानते। थियो एक बॉम्ब लेकर अमेरिकन पर फेंकता है जिसकी वजह से अमेरिकन भड़क जाते हैं और वर शुरू हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इजाबेल और थियो ऐसा क्यों करते थे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।